ये एक ओपन कास्ट मार्बल खदान है जहां इस ब्लॉक यानी कि फाड़े को कल वायर सॉ मशीन की मदद से मदर रॉक से अलग किया जा चुका है। इसके आकार के कारण इसे नीचे से टॉपल करना होगा। अरे यार गुप्ता जी, हाँ जी, अपने को यह फाड़ा घंटे दो घंटे में गिराना है। देखिए मैं टेलीकॉन ड्राइवर हूँ, आराम से गिराऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, गिरा दूंगा। गिरा तो देना। हाँ जी, गिरा दूंगा। कभी कदा चलाते मगर गिरा देगा आपको, कम हो जाएगा। ये अप्रशिक्षित सुपरवाइजर इस अनुभवहीन कामगार को इस काम को पूरा करने का निर्देश दे रहा है। इस ऑपरेटर के पास न तो इस कार्य को करने की कोई योग्यता है और न ही इसे चलाने का कोई विशेष अनुभव। इस प्रकार के वजन को बहुत ही सावधानी पूर्वक एक अनुभवी ऑपरेटर की मदद से सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिस का पालन करते हुए गिराया जाना चाहिए। इस कार्य को बहुत ही संयमित व विवेकपूर्ण तरीके से संपन्न करना होगा। अरे प्रकाश जी थोड़ा रुकिए, जल्दी जल्दी करें यार, थोड़ा और आराम से तो होने दो। काम को पूरा करने की जल्दी में ऑपरेटर ने टॉपलिंग की गति बढ़ा दी है। ये बेहद खतरनाक हो सकता है और तभी टनों वजनी ये भारी भरकम फाड़ा एस्केवेटर के ऊपर गिर चुका है। इस दर्दनाक हादसे में एस्केवेटर ऑपरेटर की मृत्यु हो गई। इस केस में खदान मालिक द्वारा थोड़े पैसे बचाने के लिए माइन मैनेजर की नियुक्ति नहीं की गई। दूसरा, अनुभवहीन ऑपरेटर और सुपरवाइजर के द्वारा यह कार्य संपादित किया जा रहा था। कई बार ऐसा देखने में आता है, प्रोडक्शन टारगेट को अचीव करने के लिए कार्य की गति बढ़ा दी जाती है। यदि SOPs का पालन किया जाता, क्वालिफाइड माइन मैनेजर की नियुक्ति होती एवं प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती ऑपरेटर को, तो यह दुर्घटना टाली जा सकती थी।